जमीन आसमान का फर्क हो जा रहा है। मतलब जब इतने सस्ते ब्रांड्स ये कर रहे हैं तो आखिर डेल को करने में प्रॉब्लम क्या है? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट। बेस्ट लैपटॉप अंडर द बजट ऑफ 60,000 and 70,000 रुपीज। नवंबर महीने की ये वीडियो है, मैं लेके आ गया हूँ अपने चैनल पे। जैसा कि आपको पता ही होगा, हर महीने मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहता हूँ। इस वीडियो का पार्ट वन भी है जिसमें बजट लैपटॉप की बात हुई है, तो उसको जाकर आप देख सकते हो अगर आपको बजट लैपटॉप्स वगैरह खरीदने हैं। हेलो गाइज, आई एम विशाल फ्रॉम टेक जोन। क्लब शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी वेबसाइट भी डिज़ाइन कर दी है। अभी texonical.in www.texonical.in पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। जो भी नए नए गैजेट्स वगैरह मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं वहाँ पे उनकी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा आपको, और साथ में जितनी भी टाइप की बाइंग गाइड्स वगैरह होती है वो सब कुछ मैं वहाँ पर लिखने वाला हूँ। अभी वेबसाइट पूरी तरह से फंक्शनल होने में थोड़ा टाइम तो मुझे लगेगा, क्योंकि एक दो महीने और लग सकते हैं इसको ऑलमोस्ट 100 आर्टिकल्स तक पहुँचाने में। लेकिन अभी फिलहाल के लिए 20-25 आर्टिकल्स मैंने डाल दिए हैं। आप जाकर यहाँ पर बेस्ट डील क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो जो नए नए गैजेट्स वगैरह मैं यहाँ पर ऐड करते जाऊँगा। अभी फिलहाल मैंने सिर्फ लैपटॉप्स को ऐड किया हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी मैं लिस्ट वगैरह बताता हूँ आप यहाँ से भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। और ये मेथड आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहने वाला है। अगर आपको इवन किसी को शेयर वगैरह भी करना है तो आप डायरेक्टली texonical.in का लिंक वगैरह शेयर करो, और सारे प्रोडक्ट जो भी मैंने वहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं, अभी फिलहाल मैं सबके प्रोज एंड कॉन्स वगैरह भी डालूंगा, लेकिन वो सब कुछ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं इसे और भी इम्प्रूव करता रहूंगा। फिलहाल इस बात को मैं अनाउंस करना चाहता था, तो अपने पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात बता दी थी और इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ। तो जाकर जरूर चेकआउट करना एक बार, और कोई भी वहाँ पर प्रॉब्लम्स वगैरह हो तो मुझे आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे @texonical पे पिंग करके बता सकते हो कि कैसा है सब कुछ ओवरऑल। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले 50,000 से 60,000 के बीच में जितने भी लैपटॉप्स काफ़ी अच्छे मुझे लगे हैं और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगे हैं, एक और सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आपका बजट क्लोज टू 50,000 है, 52,000 के अराउंड ना, तो बेटर है कि आप एक 55,000 के लैपटॉप पे चले जाओ ना। काफ़ी बेहतरीन सा लैपटॉप है ये, और ये मेरा सबसे टॉप पिक लैपटॉप रहेगा आज का, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन मुझे लगा इसका डिज़ाइन वगैरह। HP का ये एग्जैक्ट मॉडल आप स्क्रीन पर देख लो, 14 इंच का लैपटॉप है। HP Pavilion Ryzen 5 5500U प्रोसेसर के साथ में आता है, प्लस इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो बहुत ही अच्छा है, मेटलिक फिनिश वगैरह के साथ में आता है ये। और इसमें 8GB की रैम, 512GB की SSD भी लगी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और विंडोज 10 के साथ में आता है प्री इंस्टॉल्ड होकर। वेट काफ़ी कम है, 1.41 kg, और इसमें बेहतरीन सा IPS डिस्प्ले वगैरह लगा हुआ है। इतने प्राइस पॉइंट में ना 55 ऑलमोस्ट 56,000, मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डील्स यू कैन गेट। अगला लैपटॉप इसी का वेरिएंट है एक, जो कि 15 इंच का मॉडल है। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है जैसा इस लैपटॉप में था, यहाँ पर सिर्फ 15 इंच का डिस्प्ले लगा हुआ है, और बिल्ड क्वालिटी डिपार्टमेंट में भी ये उसी की तरह है जैसे पहले वाला मैंने बताया। इसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे ये देख लो, लिंक सभी लैपटॉप का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। एग्जैक्ट मॉडल नंबर वगैरह वहां पर डाल के मैंने बता दिए हुए हैं। अगला लैपटॉप मैं आपको बताना चाहूँगा डेल की तरफ से। मान लो आपको HP से थोड़ा कोई गीला शिकवा है तो सिर्फ आपको डेल लेना है, तो आप ये डेल का लैपटॉप भी चूज कर सकते हो। दिस इज काइंड ऑफ ओके लैपटॉप, डेल का वॉस्ट्रो 3400। इसमें i5 11th generation का प्रोसेसर लगा हुआ है, 8GB की रैम है, 512GB की SSD है, विंडोज 10 और MS ऑफिस का भी सपोर्ट है। दिखने वगैरह में ओके है, मैं ये हार्डली रिकमेंड तो नहीं करूँगा, वो इसलिए क्योंकि वॉस्ट्रो सीरीज की अक्सर बिल्ड क्वालिटी ना ऐसे 57,000 की लायक तो नहीं होती है। फिर भी आपको डेल लेना है तो आप ले सकते हो। अगला लैपटॉप में जो आपको HP की तरफ से फिर से बताना चाहूँगा, सेम टू सेम इसी का वेरिएंट चल रहा है, और मुझे लगा कि 58,000 में इससे अच्छा लैपटॉप नहीं रहेगा। अब आप देख लो यहीं पर एक 57,000 का डेल का लैपटॉप है, और ये है HP का लैपटॉप। आप में से कुछ व्यूअर्स से पूछ रहे थे मैं HP के लैपटॉप क्यों बोलता हूँ, डेल की बुराई क्यों करता हूँ, तो इसका मैं एक स्ट्रॉन्ग रीज़न आपको यहाँ पे दिखा दूँ क्लियरली। 57,000 का ऑलमोस्ट प्राइस पे ये आपको मिल रहा है पोस्ट्रो की एक घटिया सी बिल्ड क्वालिटी, ना ही यहाँ पर IPS डिस्प्ले है, वो WVA टाइप का डिस्प्ले मिलेगा आपको, 8GB की रैम मिलेगी, 512GB की SSD मिलेगी, ठीक है, जैसा मैंने बताया। अब यहीं पर ये लैपटॉप आप देखो, ऑलमोस्ट सेम टू सेम प्राइस ब्रैकेट पे 16GB की रैम मिलेगी आपको, 512GB की SSD मिलेगी, प्लस IPS डिस्प्ले मिलेगा, मेटेलिक फिनिश की बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगी आपको। ये है HP। यही तो कारण है कि पिछले 2 सालों से HP डेल से डबल टाइम्स ज़्यादा सेल कर रहा है, और यही रीज़न है कि मैं HP को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस भी दे रहा हूँ। ऑफकोर्स दोनों ही अच्छे ब्रांड्स हैं अपने आप में, लेकिन आज की डेट में ना
एचपी आपको ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, यही बात मैं आपको समझाना चाहता था, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताया आपको। अब अगला लैपटॉप फिर से आप देखो कि ये डेल वॉस्ट्रो 3400। ये लैपटॉप भी आप देखो, एक तो इसके रिव्यूज वगैरह भी उतने अच्छे नहीं गए हैं, लेकिन ये लैपटॉप देखो i5 11th का प्रोसेसर, 8GB रैम, 512GB SSD। यहाँ पर इन्होंने NVIDIA का 2GB MX330 वाला ग्राफिक कार्ड लगा दिया। अब आपको अगर एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स लेना है तभी ये लैपटॉप ठीक है, अदरवाइज मैं फिर भी कहूँगा कि HP का जो लैपटॉप मैंने अभी आपको दिखाया 16GB की रैम के साथ में जो आ रहा है, आपको वो यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको अच्छी रैम मिलेगी, आउट ऑफ द बॉक्स आपको 16GB रैम मिल रही, कुछ बढ़ाना नहीं है, अलग से लैपटॉप को फिर से ओपन नहीं करना है, ऑलमोस्ट इससे कम प्राइस पे। और वैसे भी NVIDIA MX330 कोई बहुत ही हाईफाई ग्राफिक कार्ड नहीं है। अगर आपको ग्राफिक्स पे इतना ही फोकस देना है तो आप बेटर है ना कि कोई गेमिंग लैपटॉप खरीद लो 60,000 रुपये में, वहाँ 4GB ग्राफिक्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। फिर ये लैपटॉप उतना वैल्यू फॉर मनी इसीलिए मुझे नहीं लगता है। और आपको पता होना चाहिए कि Ryzen 5 5500U वाला जो प्रोसेसर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सही है, इफ़िशेंट सा प्रोसेसर है, ऐसा नहीं है कि उसमें ग्राफिक प्रोसेसिंग बिल्कुल होगी ही नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि HP का ये लैपटॉप इवन एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर चूज़ करना भी काफ़ी सही रहेगा। और अगर आपको ये शंका है कि अभी Adobe के प्रोडक्ट्स वगैरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सपोर्टेड हैं या नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी Ryzen के 5th generation के प्रोसेसर के साथ में Adobe के सारे प्रोडक्ट्स वगैरह AMD पे भी कॉम्पेटिबिलिटी उनकी आ चुकी है, तो वो भी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगला लैपटॉप जो आपको बताना चाहूँगा ये है MI का नोटबुक। ऑफकोर्स इस डेल वाले से अच्छा यही लग रहा है, MI नोटबुक अल्ट्रा 3K रेजोल्यूशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कहाँ यहाँ पर IPS डिस्प्ले भी नहीं मिलता है और यहाँ पर आपको मिल रहा है। हाँ, मुझे MI को उससे कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, थोड़ा कम अच्छा ब्रांड है, लेकिन जिस तरह से इसका हाइप बना हुआ है अभी और जिस तरह से ये लुक एंड फील है, पूरा मेटल का बना हुआ है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि 60,000 में इट इज़ अ वन ऑफ द गुड लैपटॉप्स यू कैन गेट। अगला लैपटॉप मैं जो आपको बताना चाहूँगा ये लैपटॉप थोड़ा सही लगता है क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब डेल का 14 एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप स्क्रीन पर देख लो, यहाँ पर i3 11th generation का प्रोसेसर है, 8GB की रैम है, 256GB की SSD है, और जो यहाँ पर आपको स्टाइलिस वगैरह भी मिल जाएगा, 2-in-1 लैपटॉप है। तो इस प्राइस पॉइंट पे इट्स काइंड ऑफ ओके, नॉट द परफेक्ट, लेकिन ठीक है, इसमें एक्टिव पेन वगैरह भी आपको साथ में मिल जाता है, फिंगरप्रिंट रीडर भी मिला हुआ है। एक लैपटॉप में जो आपको बताना चाहूँगा, अगर आप गेमिंग सेंट्रिक पर्सन हो और गेमिंग के लिए लेनी है, इवन अच्छी ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए भी लेनी, थोड़ा हैवी भले होगा लेकिन ये काफ़ी सही लैपटॉप रहने वाला है। AMD Ryzen 5 4th generation का प्रोसेसर है, ऑलमोस्ट ठीक ठाक सा है, बहुत ख़राब नहीं है, 8GB की रैम, 512GB की SSD और प्लस आपको NVIDIA का 4GB का 1650 वाला ग्राफिक कार्ड मिलता है, 120Hz की रिफ्रेश रेट का IPS डिस्प्ले मिलता है इसमें। तो आपको 60,000 रुपये में काफ़ी अच्छी कुछ मिल जा रहा है, काफ़ी कुछ वैल्यू मिल रहा है, काफ़ी सक्सेसफुल लैपटॉप रहा है, मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी इसे रिकमेंड किया था, तो ये काफ़ी सही रहेगा अगर आप खरीदना चाहते हो कोई ऐसे ग्राफिक सेंट्रिक पर्सन या फिर गेमिंग पर्सन। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स यू कैन गेट अंडर 60,000, बाकी जो HP वाले मैंने बताया 2000 फ्रंट। और अब बात करते हैं 60 से 70,000 के बीच में, मतलब 60 से ऊपर और 70 से नीचे। इसमें एक जो मैं पहला लैपटॉप बताना चाहूँगा आपको, डेल का इंस्पिरॉन 3501, ये मुझे काफ़ी सही लगा क्योंकि ये पूरा ना कॉम्पैक्ट सब कुछ मिल रहा है इसमें आपको, 1TB की हार्ड ड्राइव भी, 256GB का SSD भी, 8GB की रैम भी, और ऑफ कोर्स यहाँ पर IPS डिस्प्ले नहीं होगा लेकिन WVA डिस्प्ले होगा, वो वाइड व्यूइंग एंगल उसे कहते हैं। अब ठीक है, 61,450 पे नॉट बैड, लेकिन मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ ना कि आपको बेटर वैल्यू किसमें मिल रही है, तो आपको अपने से ये समझना, आपको डेल को प्रेफरेंस देना है तो दिस इज काइंड ऑफ गुड ओके लैपटॉप। अगला लैपटॉप में जो आपको बताना चाहूँगा अगेन फ्रॉम डेल, और ये है 15 इंच का लैपटॉप। अब 63,000 रुपीज़ में आपको सिर्फ मिल रहा है i5 11th generation का प्रोसेसर, दैट्स इट, 8GB की रैम और सिर्फ 256GB की SSD। अब बताओ मुझे कि ये लैपटॉप किस तरह से मैं कहूँ कि ये काफ़ी अच्छा है, जबकि इससे कहीं अच्छे लैपटॉप इससे 10,000-10,000 रुपये सस्ते मिल रहे हों। और हाँ, इनका प्राइस वगैरह आप डेल पे भी जाके देखोगे तो ऑलमोस्ट हो सकता है 1,000-2,000 का ही फ़र्क हो, ऐसा नहीं कि बहुत ही ड्रामेटिक फ़र्क हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा था कि इतने वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स तो नहीं है। अब यहीं पर ये लैपटॉप आप देखो, MSI मॉडल 15, ये काफ़ी सही लैपटॉप मुझे लगता है। और जिस तरह से इसको प्राइस किया गया है, Ryzen 750-700 प्रोसेसर, i5 11th generation से ना ये 2 times ज़्यादा बेटर प्रोसेसर है, कहीं ज़्यादा 8 कोर ऑक्टा कोर प्रोसेसर है यहाँ पर, कहाँ पर i5 11th generation सिर्फ 4 कोर, और यहाँ पर
मल्टी थ्रेडिंग वगैरह का भी सपोर्ट काफ़ी बेहतरीन है। 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी का प्रोसेसर है ये Ryzen 7, और इस लैपटॉप में आपको मिल जाता है 8 GB का रैम, 512 GB की SSD और वो भी IPS लेवल का डिस्प्ले, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और जो बिल्ड क्वालिटी है ना इस लैपटॉप की, वो भी काफ़ी बेहतरीन है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी बेहतरीन सा लैपटॉप मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट पे। ये MSI का ब्रांड काफ़ी सही है, आपको इस पे ट्रस्ट हो चाहिए। अगर आप किसी बिग सिटीज़ में हो जहाँ पर सर्विस सेंटर वगैरह है, तो MSI का लैपटॉप लेना हमेशा ही अच्छा रहता है। मेरे इस डेस्कटॉप वगैरह में भी MSI के ही कंपोनेंट्स हैं, MSI का ही मदरबोर्ड है, MSI का ग्राफिक कार्ड्स है, सब कुछ तो MSI का ही है। तो ऐसा नहीं कि MSI के लैपटॉप कुछ ख़राब होते हैं, आपको एक अच्छी स्पेसिफिकेशन यहाँ भी मिल रही है, काफ़ी बेहतरीन सी। अगला लैपटॉप में जो आपको बताना चाहूंगा वो है HP का Pavilion एग्जैक्ट मॉडल नंबर, स्क्रीन पे देख लो। ये लैपटॉप जो मैंने शुरू में लैपटॉप्स बताए थे ना, उन्हीं का एक वेरिएंट है, थोड़ा एडवांस्ड है। यहाँ पर 16 GB की रैम मिल जाएगी आपको, बस इतना सा ही फर्क है। बशर्ते आपको इसका जो है, अगर 16 GB वाला वेरियंट नहीं लेना है, तो ये आपको 55,000 तक पे ही मिल जा रहा है। तो सिर्फ 16 GB रैम के लिए इतना प्राइस दे देना तो काफ़ी अच्छी बात नहीं रहेगी, इसलिए आपको लेना ही है तो वो वाले खरीदना और उसमें 8 GB की रैम एक्स्ट्रा लगा लेना। रैम सिर्फ 4,000 की मिलती है, अगर ये लैपटॉप 60,000 के अंदर होता तो ज़्यादा बेटर होता। लिंक वगैरह मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। ये लैपटॉप फिर से उसी का ही एक नेक्स्ट वेरियंट है, लेकिन यहाँ पर 2 GB की ग्राफिक्स भी लगा हुआ है। अब ये लैपटॉप लेना आपके लिए अच्छा नहीं है, यहाँ पर 16 GB रैम और 512 GB की ही SSD है। लेकिन इसी का जो दूसरा वेरिएंट है, यहाँ पर आपको 2 GB का ग्राफिक्स भी मिल जा रहा है। तो इस प्राइस पॉइंट को ये जस्टिफाई करता है, अगर आप इस प्राइस पॉइंट तक जा ही रहे हो तो ये 2 GB ग्राफिक्स के साथ में लेना। Ryzen 5 का प्रोसेसर मिल जाएगा, 512 GB की SSD और वहीं पर 16 GB की रैम वगैरह भी मिल जाएगी, सब कुछ आपको सेम टू सेम मिलेगा। बस यहाँ पर 14 इंच का डिस्प्ले साइज है और यहाँ पर 15 इंच का डिस्प्ले साइज है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला लैपटॉप में जो आपको बताना चाहूँगा, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट लैपटॉप्स। जितने भी लैपटॉप मैंने देखे ना, इसका एक 50,000 के अंदर वाला भी मॉडल मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था, और ये मॉडल जो है ना, इसमें अगेन वीवो बुक का K15 सीरीज, और इस सीरीज में जितने भी लैपटॉप आए हैं सब में OLED डिस्प्ले है। ये काफ़ी एक्साइटिंग बात लगी मुझे कि इतने चीप बजट में अभी आपको OLED स्क्रीन लैपटॉप में देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन सी बात है। इनोवेशन थोड़ा आगे ही पहुंच गया है यहाँ पर। अब यहीं पर डेल को देखा जाए तो वहाँ पर IPS लेवल के भी पैनल्स नहीं आ रहे हैं, कहाँ पर ये OLED आ रहा है, जमीन आसमान का फ़र्क हो जा रहा है। मतलब जब इतने सस्ते ब्रांड्स ये कर रहे हैं तो आखिर डेल को करने में प्रॉब्लम क्या है, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट। अगला जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहूँगा, यही Asus का वीवो बुक K15, इसमें भी 16 GB की रैम मिली हुई है और 512 GB की SSD लगी हुई है। Iris Xe का ग्राफिक सपोर्ट यहाँ पर मिलता है आपको, और ये ऑलमोस्ट 1.8 KG का लैपटॉप है। तो और यहाँ पर ब्राइटनेस भी 400 nits की है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और 100% कलर गैमट। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए तो ये लैपटॉप काफ़ी सही रहने वाला है। स्क्रीन वाइज यहाँ पर एक ग्राफिक कार्ड भी दे दिया होता तो अच्छा रहता, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता, लेकिन हम कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। ऑफकोर्स हमें डिस्प्ले काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अगला लैपटॉप मैं जो आपको बताना चाहूँगा, लिनोवो का आइडियाबैट स्लिम 5, और ये भी लैपटॉप डिस्प्ले के मामले में बेहतरीन लैपटॉप है। 2.2K रिजोल्यूशन का यहाँ पर डिस्प्ले है, मतलब फुल HD से थोड़ा डबल। तो ये लैपटॉप काफ़ी सही है। अब आपको इस लैपटॉप को लेने से ना, डिस्प्ले जो मिलेगा उसमें कितनी शार्प क्वालिटी होगी, वो कितना अच्छा लगेगा देखने में, प्लस 100% की sRGB भी मिल रही है। तो इस लैपटॉप में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिल रही है अगर आप इस तरह से देखो तो। 1.3 KG का ओनली वेट है, 16 GB की रैम है, 512 GB की SSD है, काफ़ी सही सा लैपटॉप मुझे लगा है इस प्राइस पॉइंट पे ये भी। अगला लैपटॉप में जो आपको बताना चाहूँगा, अगेन ये HP का वही वाला मॉडल है जो मैं आपको शुरू से दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर Ryzen का 5600U मिला हुआ है। बाकी जो लैपटॉप्स थे उसमें 5500U था, इसमें यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, इसके थ्रेडिंग वगैरह के सपोर्ट ज़्यादा अच्छे हैं, 16 GB की रैम, 512 GB की SSD और बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। और उसके साथ ही ये 13 इंच का लैपटॉप है, बहुत ही ट्रेवल कंपेनियन की तरह से इससे अच्छा रहेगा। हाँ, आपको अब लेना नहीं है तो नहीं लेना, क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट फैक्टर को ध्यान में रख के बनाया गया है। ये है ओनली 0.97 KG, तो काफ़ी हल्का रहने वाला है ये लैपटॉप। 13 इंच का काफ़ी सही रहेगा अगर आपको एक कॉम्पैक्ट लैपटॉप चाहिए, तो इससे बेहतर ऑप्शन और कोई नहीं लगता मुझे, क्योंकि बहुत ही लाइट वेट है। और प्लस एक ही प्रॉब्लम है कि अगर आपको 13 इंच में नहीं चाहिए तो फिर आपको ये नहीं लेना है,
क्योंकि ऑफ कोर्स ये काफ़ी छोटा रहने वाला है और काफ़ी लाइट वेट भी रहेगा। तो ऐसे पर्सन के लिए जिसको ट्रैवल करना है या फिर आपको बार बार अपने लैपटॉप के साथ जो है ना कॉम्पैक्ट फैक्टर को ही ध्यान में रखना है, तो ठीक है, बहुत ही अच्छा लैपटॉप रहेगा 70,000 में। अगला एक और लैपटॉप मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑफकोर्स ये 2-in-1 कैटेगरी का है। अब डेल के अलावा और कोई ऑप्शन ठीक से है नहीं इस समय, इसलिए यहाँ पर सिर्फ डेल ही स्टैंड आउट करते हैं। और 2-in-1 के मामले में मैं डेल को ज़्यादा प्रेफरेंस इसलिए दूंगा क्योंकि डेल का जो हिंज मैकेनिज्म है ना वो कहीं बेहतर है बाकी सारे जितने लैपटॉप्स होते हैं। अगर आपको टच स्क्रीन लैपटॉप लेना ही है तो आँख बंद करके सिर्फ डेल पे जाओ या फिर एचपी पे जाओ, सेकेंड ऑप्शन एचपी। एसुस, एसर ये सब पे मत देखना क्योंकि उनके हिंज में बड़ी इश्यूज होती हैं। डेल के हिंज सबसे बेस्ट होते हैं, ये बात पे मैं एग्री करता हूँ। इसी मामले में डेल काफ़ी अच्छा है। इसमें जो है आपको i3 11th जनरेशन का प्रोसेसर मिलेगा। यहीं पर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि भाई इतने प्राइस पे सिर्फ i3, यही बात मुझे थोड़ी सी खराब सी लगती है, बेवजह की एक्सपेंसिव प्राइस है एक्चुअली सच में। अब यहाँ पर 8GB की रैम, 512GB की SSD और फुल HD का डिस्प्ले लगा हुआ है। आपको एक्टिव पेन इन द बॉक्स मिलेगी और फिंगरप्रिंट रीडर भी लगा हुआ है, सब कुछ काफ़ी सही सा है। थोड़ा प्रोसेसर अच्छा लगा दिया होता तो बहुत ही अच्छा होता। अब i3 11th जनरेशन पे आप क्या करोगे इतना सब कुछ लेकर। एनीवेज अगला, अब इसी प्राइस पे आपको राइजन 750 700U वाला प्रोसेसर मिल रहा है। यहाँ पर जरा देखो आप, आपको सिर्फ टच स्क्रीन लेना है तो फिर इतना कंप्रोमाइज करना पड़ेगा क्या? मतलब i3 11th जनरेशन 64,000, ये लैपटॉप 50,000 के लायक का लैपटॉप है ऑलमोस्ट। अगला लैपटॉप जो मैं आपको बताना चाहूँगा ये गेमिंग कैटेगरी का और 70,000 के प्राइस पॉइंट पे अभी की डेट में तो काफ़ी सही है। एसस टफ वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, अगर आपको वो भी खरीदना है तो खरीद सकते हो, लेकिन ये लिनोवो का लीजन सीरीज का लैपटॉप काफ़ी सही सा है। इसमें भी 8GB की रैम, 1TB की हार्ड ड्राइव, 256GB का SSD, राइजन 5 का प्रोसेसर, IPS लेवल का डिस्प्ले लगा हुआ है। एक बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो है 2.3 kg का वेट, काफ़ी हैवी सा हो जाएगा। और यहाँ पर बाकी GTX 1650 4GB ग्राफिक कार्ड वो सब कुछ तो लगा हुआ है, ऑफकोर्स ये गेमिंग है। और यहाँ पे कूलिंग मैकेनिज्म वगैरह भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि इतने सारे ऑप्शन में से आपके लिए कौन सा बेस्ट सुटेबल रहने वाला है। आँख बंद करके खरीदने की मैं बात करूँ तो अगर मुझे कोई 50 से 60 के बीच में लैपटॉप खरीदना हो तो HP का वो वाला मैं खरीदूंगा, राइजन 5 5500U वाला प्रोसेसर जो मैं पहले नंबर पर दिखाया था। वो लैपटॉप ना काफ़ी अच्छा लैपटॉप है और उसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर वगैरह मैं सब कुछ नीचे डाल दूंगा, आप जाकर उसे चेक कर लेना ज़रूर से। और अगर मुझे 60 से ऊपर में कोई लैपटॉप ख़रीदना है तो मैं वो MSI वाला ख़रीदूंगा, MSI का राइजन 5 5700U। और दूसरा एक और ऑप्शन जो मैंने बताया HP का, जिसमें 2GB का ग्राफिक भी लगा हुआ है और राइजन 5 का प्रोसेसर भी लगा हुआ है, 16GB की रैम है, तो उतने प्राइस रेंज में वही सारे लैपटॉप्स काफ़ी वैल्यू फॉर मनी हैं, बाकी सब कुछ बेकार से हैं अभी की डेट में तो फिलहाल। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद लाइक करो, पसंद लाइक करो बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टेक टॉपिक वीडियोज देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी ऐसे टॉपिक साथ, तब तक लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू।